जैसे गहन समुद्र की लहरों में कोई योगी संतुलन बनाकर गहरे जल के ऊपर अपना आसन स्थिर करने का प्रयास करता है किंतु सरलता से सफल नहीं हो पाता, बार बार सागर की लहरें उसे असंतुलित करती रहती हैं और वो स्वयं के आसन को स्थिर करने के प्रयास में जुटा रहता है। ऊपर सागर की लहरें और नीचे अथाह जलराशि अभ्यासी को डुबोने में जुटी रहती हैं, किंतु सिद्ध योगी वही, उत्तम मनुष्य वही जो इस निरंतर असंतुलन के मध्य अपना संतुलन खोजकर स्थिर हो जाए। यही सत्य सागर के मध्य भी है और भवसागर के मध्य भी। इसलिए स्वयं को संतुलित करो, बाहर भी और भीतर भी।